नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौम्यो रॉय और मैं आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का ब्रांड न्यू ट्रेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो पे। आज हम लोग एक नया स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे। मैं बताऊंगा कैसे हम लोग यह स्ट्रेटजी सेट कर सकते हैं ट्रेडिंग चार्ट पे, और मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे यह स्ट्रेटजी को हम लोग रीड करते हैं और रीड करने के बाद कैसे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके। तो पहले हम लोग इंडिकेटर्स में चलते हैं, सेट करते हैं बुल्स पावर पहले, उसके बाद बियर्स पावर। ये दोनों इंडिकेटर हम लोग इस स्ट्रेटजी में आज यूज़ करेंगे। पहले लाइन को हटा के हम लोग हिस्टोग्राम कर लेते हैं, कलर को चेंज करके हम लोग ग्रीन करते हैं और कलर को थोड़ा डार्क कर देते हैं, डीप कर देते हैं कि हम लोगों को बढ़िया समझ में आए। दूसरा बियर्स को हम लोग लाइन से हिस्टोग्राम बनाएंगे और इसको डीप करेंगे और कलर को हम लोग चेंज करके रेड कर देंगे। तो ये हम लोग बियर्स बुल्स पावर बियर्स पावर चार्ट पे सेट हो चुका है। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे हम लोग ये स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। पहले ये बता दूं, बुल्स पावर और बियर्स पावर दोनों में आप लोग देख रहे हो जीरो का एक लाइन है, ये एक अबव ज़ीरो ऊपर, इसको हम लोग पॉजिटिव हराइजन बोलते हैं। अबव ज़ीरो बियर्स पावर में भी ऊपर, इसको हम लोग पॉजिटिव हराइजन बोलते हैं। बिलो ज़ीरो बुल्स एंड बियर्स दोनों को हम लोग नेगेटिव हराइजन बोलते हैं। तब अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये ग्रीन और ये रेड बार्स जब पॉजिटिव हराइजन में है बुल्स पावर और बियर्स पावर दोनों का, तब हम लोग अप ट्रेंड ओपन कर सकते हैं। और जब ये ग्रीन और रेड बुल्स पावर एंड बियर्स पावर नेगेटिव हराइजन में है, तब हम लोग डाउन ट्रेड ओपन कर सकते हैं। तो मैं अभी इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके ट्रेड ओपन करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसे हम लोग इस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हैं एवरीडे ट्रेडिंग में, ठीक है। और मैं इसके साथ साथ आप लोगों को ये भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग टाइम सेट करते हैं और कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट सेट करते हैं टाइम टू टाइम चेंजेस के साथ साथ, ठीक है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का ट्रेडिंग सेशन। पहले चार्ट देख लेंगे, यूरो CHF यहाँ पे है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बुल्स पावर एंड बियर्स पावर दोनों नेगेटिव हॉराइजन में है, तो हम लोग यहाँ पे डाउन ट्रेंड या डाउन ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं। बट मैं दूसरा चार्ट देखना पसंद करूंगा पहले। यहाँ पे भी हम लोग डाउन ट्रेड ओपन कर सकते हैं, लेकिन वी मस्ट वेट, वी हैव टू सी, क्योंकि कैंडलस्टिक्स और नीचे नहीं जा सकता है, ऑलरेडी ये बहुत नीचे आ चुका है। तो यहाँ से बैक होने का या सेंटिमेंट चेंज होने का टाइम है, तो यहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। USD JPY देखेंगे, यहाँ पे बहुत बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे 3 मिनट का ट्रेड हम लोग ओपन कर सकते हैं। $1,000 इन्वेस्टमेंट, 87% प्रॉफिट, देखते हैं क्या होता है। 3 मिनट का ट्रेड मैंने ओपन किया, 87% प्रॉफिट USD JPY, देखते हैं ये ट्रेड हम लोग को क्या रिजल्ट मिलता है बुल्स पावर एंड बियर्स पावर यूज़ करके। आप लोग देख रहे हो बोथ साइड, यहाँ पे बुल्स पावर एंड बियर्स पावर पॉजिटिव हॉराइजन में है, दैट मींस इट्स अ क्लियर इंडिकेशन दैट वी कैन ओपन ट्रेड अपवर्ड्स, अप ट्रेंड। ग्रीन बटन दबा के हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, बट हम लोग ये भी जानते हैं कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल काइंड ऑफ सरप्राइजेस। चार्ट्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी आप लोग देख रहे हो कि चार्ट फ्लक्चुएट हुआ और कैंडलस्टिक रेड फॉर्म हो रहा है। 1 मिनट 50 सेकंड का टाइम बचा हुआ है हम लोगों के पास, टाइम है, बट वी विल वेट एंड वॉच। AUD CHF यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि बढ़िया चेंजेस आ रहे हैं, यहाँ पे हम लोग ओपन कर सकते हैं ट्रेड।
42 seconds bacha hua hai, but we have to see other charts. 2000 डॉलर इन्वेस्ट करेंगे यहाँ पे 25 सेकंड्स 4 मिनट का इंटरवल में दे रहा हूँ. ओके मैंने और एक ट्रेड ओपन किया 2000 डॉलर का ऑस्ट्रेलियन डॉलर स्विस फ्रैंक 4 मिनट का ट्रेड 87% प्रॉफिट. देखते हैं क्या होता है. पहला ट्रेड USDJPY वी हैव अ लॉस, लेकिन देखते हैं अगला ट्रेड में क्या रिजल्ट आता है. वी हैव क्लियर इंडिकेशंस ऑफ अप ट्रेंड हियर, लेट्स वेट एंड वॉच. Two minute 22 seconds. We have chances, but we have to understand what exactly would be the end result. Kyunki yahan pe aap log dekh rahe ho, we have chances, but yes, again there is some kind of change in sentiments. To hum logo ko isko bhi dhyan mein rakh ke chalna hoga. 1 minute 50 second ka time bacha hua hai. $3000 already invest ho chuka hai. इसके ट्रेडिंग में चेंज इन सेंटिमेंट्स. 50 सेकंड का टाइम बचा हुआ है, देखेंगे क्या होता है. 26 सेकंड का टाइम, 26 सेकंड्स टाइम बचा हुआ है और यहाँ पे पूरा चेंज दिख रहा है साफ. 5 और ये ट्रेड भी हम लोग हार गए. $3000 लॉस पे अभी मैं चल रहा हूँ, लेकिन इसको रिकवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत बड़ा अमाउंट है. ZDCHF आप लोग देख रहे हो बहुत स्टिफ राइज है, लेकिन यहाँ पे चांस नहीं लिया जा सकता. बढ़िया स्टिक फॉर्म हुआ है कैंडल स्टिक, लेकिन ये देखिए अभी फिर से देयर इज़ ए चेंज. अभी हम लोग इन्वेस्टमेंट काम करते हैं, $1000 हम लोग लगाते हैं, 6 मिनट का टाइम इंटरवल, देखते हैं क्या होता है. न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक 6 मिनट का टाइम इंटरवल 90% प्रॉफिट, देखेंगे क्या होता है. 4 मिनट का टाइम बचा हुआ है अभी. रिवर्स सेंटिमेंट नाउ, देखेंगे क्या होता है. $500 हम लोग USDCAD पे लगा सकते हैं, लेकिन टाइम इंटरवल मस्ट बी वेरी शॉर्ट. यूरो कैनेडियन डॉलर यहाँ पे चांस हो सकता है. हम लोग $500 यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं. $500 इन्वेस्टेड, यूरो कैनेडियन डॉलर 3 मिनट का टाइम फ्रेम, देखेंगे क्या होता है. बहुत बढ़िया चार्ट यहाँ पे मुझे दिख रहा है. हम लोग देखिए फिर से सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, लेकिन देखेंगे. 1 मिनट 17 सेकंड का टाइम बचा हुआ है. आठ सेकंड बचा हुआ है. न्यूजीलैंड डॉलर स्विस फ्रैंक, जो कि हम लोगों ने 6 मिनट का टाइम फ्रेम चूज़ किया था, और ये हम लोगों का पहला प्रॉफिट. $1000 इन्वेस्टमेंट था, $1900 इनकम है, $900 का प्रॉफिट. दूसरा ट्रेड जिसमें 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है, डाउन ट्रेड मैंने ओपन किया था, इसको देखेंगे अभी कि यहाँ पे क्या चल रहा है. There is also a good chance, but आप लोग देख रहे हो कि changes यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं wait करूँगा end time तक. There is a gap, आप लोग देख रहे हो gap यहाँ पे है. हम लोग के पास time है, 33 seconds है फिलहाल.
30 सेकेंड्स है। और ये ट्रेड भी हम लोग हार गए, कोई बात नहीं, दूसरा ट्रेड हम लोग ओपन करेंगे, दूसरा ट्रेड देखेंगे कि क्या होता है। 2 मिनट का ट्रेड मैंने ओपन किया, 64% प्रॉफिट। दिस इज़ नॉट गुड, दिस इज़ नॉट गुड, बट लेट्स सी। ओके, लेट्स गो फॉर अनादर करेंसी। तो करेंसी देखते हैं, USD, JPY, GBP, CAD पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं। 90% प्रॉफिट मैंने ट्रेड ओपन किया यहाँ पे। बहुत ही साफ ट्रेंड यहाँ पे नज़र आ रहा है। 2 मिनट का मैंने ट्रेड ओपन किया है, देखेंगे क्या होता है इसमें। तो यूरो CAD, वी हैव ए प्रॉफिट हियर। $1,000 का ट्रेड था, 64% प्रॉफिट था, 1,640 हमारा टोटल इनकम है, $640 प्रॉफिट है। देखेंगे अगला ट्रेड में क्या होता है। GBP CAD क्या हो रहा है देखेंगे। वेरी टाइट सिचुएशन, 53-52 सेकेंड्स बचा हुआ है। और सेंटिमेंट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा आप जाए यहाँ पे, तभी सबसे बेहतरीन होगा। 9 सेकेंड, सेकेंड, और यहाँ पे हम लोग और एक ट्रेड हारे। अगला ट्रेड हम लोग देखते हैं कि किस पे हम लोग ओपन कर सकते हैं। या 2 मिनट, देखेंगे। USD CAD पे मैंने 90% प्रॉफिट, $1,000 का ट्रेड ओपन किया है। देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। फोर्टी सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है। ये और एक ट्रेड हम लोग आज हार गए। दूसरा करेंसी पेयर देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। एटी परसेंट प्रॉफिट मैं ट्रेड ओपन किया हूँ, डाउन ट्रेड, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर। 2 मिनट का टाइम फ्रेम, देखते हैं अभी इसमें क्या होता है। ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, देखते हैं क्या होता है यहाँ पे। 45 सेकेंड्स बचा हुआ है। 6, 4, 3, 2, 1, प्रॉफिट आप लोग देख रहे हो। $2,000 का इन्वेस्टमेंट था, 3,600 टोटल इनकम है, 1,600 मेरा प्रॉफिट है। लेकिन मुझे अभी रिकवर करना है जो लॉस्ट अमाउंट है, देखेंगे अभी क्या होता है। दूसरा कोई AUD JPY देखते हैं। USD JPY, NZD USD, न्यूजीलैंड डॉलर, USD पे देखते हैं। यहाँ पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं, बट वी आर लेट। दोस्तों याद रखिए कि सही टाइम पे और जल्दी ट्रेड ओपन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
एक सेकंड के लिए आप लोग देख रहे हो, एक सेकंड के लिए आप ट्रेड प्रॉफिट कर सकते हो, एक सेकंड के लिए आप लॉस भी कर सकते हो. तो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट. यहाँ पे हम लोग एक वी कैन ओपन ए ट्रेड हियर, 2 मिनट्स GBP CAD, $2,000 के इन्वेस्टमेंट है, 90% प्रॉफिट है. देखेंगे यहाँ पे क्या होता है. 44 सेकेंड्स का टाइम बचा हुआ है. वेट अगेन, चेंज ऑफ सेंटिमेंट्स, आई डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन. एंड वी हैव ए विनिंग ट्रेड अगेन, GBP CAD, 90% प्रॉफिट, $2,000 का इन्वेस्टमेंट था, इनकम $3,800, $1,800 का प्रॉफिट है यहाँ पे. अभी हम लोग देखेंगे दूसरा चार्ट और कुछ हम लोग प्रॉफिट पे जाएंगे. लॉसेस रिकवर हो चुके हैं, नाउ वी हैव टू मेक सम प्रॉफिट्स, $100, $100, नहीं तो पूरा मेहनत पानी में. GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, और JPY, 80% का प्रॉफिट रेट है. यहाँ पे हम लोग एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं, बट इट कैन बी रिस्की. थोड़ा ये ऊपर जाए फिर मैं ओपन करूँगा ट्रेड. ओके, आई ओपन द ट्रेड ऑफ 2 मिनट्स, $200 इन्वेस्टेड, करेंसी पेयर GBP JPY, 80% प्रॉफिट. देखते हैं क्या होता है. सेंटिमेंट चेंज आप लोग देख रहे हो, एंड वी आर इन डेंजर जोन अगेन. 1 मिनट का टाइम बचा हुआ है दोस्तों. और एक चीज़, $200 मैंने इन्वेस्ट किया, अभी अगर मैं बेचना चाहूँ तो मुझे 202 मिलेंगे, मतलब $2 का प्रॉफिट, या तो 250 मिलेंगे, $50 का प्रॉफिट. तो ये भी आप लोग सेल कर सकते हो, तब क्या है, प्रॉफिट कम होगा लेकिन स्टिल आप प्रॉफिट में रहोगे. ठीक है, ये भी हम लोग कर सकते हैं. मैं इसके बारे में भी वीडियो बनाऊंगा कि कैसे, किस हिसाब से सेल करते हैं, क्या हम लोग यूज़ करके सेल कर सकते हैं. 2 सेकेंड, 1 सेकेंड, और हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे हैं. देखेंगे और हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं. कौन सा करेंसी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वी विल लुक इन टू इट. ऑस्ट्रेलियन डॉलर JPY इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन. आई थिंक वी कैन ओपन अप ट्रेड हियर. ठीक है, मैंने 2 मिनट का अप ट्रेड ओपन किया है USD CAD पे. देखेंगे क्या होता है. यहाँ पे मैं ट्राई करूँगा, इफ वी हैव अ चांस टू सेल आई विल गो फॉर अ सेल, बट यू गाइज डू नॉट डू इट एट दिस पॉइंट इन टाइम. मैं इसके बारे में वीडियो बनाऊँगा, तब डिटेल्स में बताऊँगा कैसे कर सकते हैं, तभी आप लोग करना, उससे पहले नहीं. देखते हैं क्या होता है. पे हम लोग एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं $500 का. और ये हम लोग लॉस के USD CAD पे. देखते हैं आगे, ये तो दूसरा. देयर इज अ चांस, लेट्स ओपन ए ट्रेड क्विक. 2 मिनट का ट्रेड मैंने ओपन किया, $500 इन्वेस्टेड, 90% प्रॉफिट GBP CAD. और एक ट्रेड मैंने ओपन किया GBP USD, $1,000, 82% प्रॉफिट, 2 मिनट का टाइम फ्रेम. देखेंगे क्या होता है. GBP
GBPCAD जो पिछला ट्रेड था, वी लॉस्ट दैट ट्रेड, $500 इन्वेस्टेड था, उसी लिए मैंने इस पे $1,000 लगाया कि 500 और ये 200-700 हम लोगों का, अगर ये ट्रेड मुझे लग रहा है बढ़िया जा रहा है, बट अगर ऐसा होता है तो वी विल हैव सम प्रॉफिट, विल रिकवर दिस $700 लॉस एंड विल हैव एटलीस्ट $120 मोर, 120, ओके. Let's wait and watch what happens. Again, something wrong happening here. We have a loss here in bahut bahut hi kam. इस पे हम लोगों को लॉस हुआ. गट फीलिंग्स यूज करके मैंने अप ट्रेड ओपन किया है 2 मिनट के लिए. बहुत ही टेंशन का समय है. ऑलरेडी $1,700 हम लोग लॉस पे चल रहे हैं. देखेंगे क्या होता है. और वी हैव ए प्रॉफिट, $2,000 इन्वेस्टेड था, $3,640 हम लोगों ने यहाँ पे टोटल कमाया, प्रॉफिट है. लेकिन अभी टाइम है वेट करने का एंड वी विल हैव टू गेट बैक टू आवर ओरिजिनल पोजीशन. $300 का मैं ट्रेड ओपन करता हूँ यहाँ पे. और मैंने ओपन किया, 2 मिनट का टाइम इंटरवल, $300 न्यूजीलैंड डॉलर USD. देखते हैं क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ऑलरेडी फेवरेबल पोजीशन है. बट आप लोग जानते ही हो कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, तो मैं और नहीं बोलूँगा. देखेंगे क्या होता है. वी हैव टू मेक सम प्रॉफिट एंड देन क्लोज इट. दोस्तों फिर से हम लोग यहाँ पे प्रॉफिट पे हैं और एक फाइनल ट्रेड हम लोग ओपन करेंगे. देखते हैं कि हम लोग कौन सा करेंसी यूज कर सकते हैं यहाँ पे. मैंने ट्रेड ओपन किया, डाउन ट्रेड, $300 इन्वेस्ट किया इस पे USDCAD पे. देखते हैं क्या होता है. फेवरेबल कंडीशन है यहाँ पे भी. देखेंगे देखेंगे क्या हो. और यहाँ पे हम लोग फिर से प्रॉफिट में हैं. $300 इन्वेस्टेड था, $570 इनकम है, $270 का हम लोग को प्रॉफिट है. देखेंगे अभी हम लोग क्या कर सकते हैं और कोई कहीं पे हम लोग ट्रेड ओपन कर सकते हैं कि नहीं. बढ़िया ट्रेड. यहाँ पे हम लोग और एक ट्रेड ओपन कर सकते हैं $200 का. $200 का और एक ट्रेड मैंने ओपन किया, 90% प्रॉफिट USDCAD. 2 मिनट का टाइम फ्रेम, वी विल वेट एंड वॉच. दोस्तों सेंटिमेंट चेंज हो रहा है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, बट इंडिकेशंस इज इन फेवर, बट फ्लक्चुएशंस कैन हैपन एट एनी टाइम.
तो देखेंगे क्या होता है। और दोस्तों, हम लोग फिर से प्रॉफिट पे हैं। $200 इन्वेस्टेड था, 380 मेरा टोटल इनकम है, $180 का प्रॉफिट है यहाँ पे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और ट्रेड हम लोग ओपन नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा ट्रेड मैंने आज ओपन किया। हम लोग लॉस पे गए, लॉस से रिकवर किए, लेकिन इतना ट्रेड ओपन नहीं करना चाहिए, मेरा बात मानोगे तो। क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेड आप ओपन करोगे, उतना चांसेस है कि इफ़ देर इज़ एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द मार्केट, देन यू कैन गो इन लॉसेस। तो दोस्तों, अपना पैसा बचा के रखना भी बहुत बड़ा एक आर्ट होता है कोई भी ट्रेडर के लिए। वीडियो को पूरा देखिए, समझिए कहाँ पे मैं टाइमिंग्स चेंज किया हूँ, कहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट चेंज किया हूँ, कैसे मैं लॉसेस को रिकवर किया हूँ, कितना अमाउंट मैं ट्रेड ओपन किया, कितना अमाउंट का ट्रेड मैं ओपन किया हूँ लॉसेस को रिकवर करने के लिए। और कुछ भी आप लोगों का सवाल होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखिए। ये वीडियो बहुत ही बड़ा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग पूरा देखें वीडियो और मुझे फिर कमेंट सेक्शन पे लिखें कि क्या आप लोगों को सीखने को मिला। अगर कुछ आप लोग जानना चाहते हो इस स्ट्रेटजी के बारे में तो मुझे ज़रूर लिखिए, मैं आंसर करूँगा 100%। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। टिल देन, गुड बाय।